हम लोग जी वी आर बैक अनदर व्लॉग आफ्टर 6 मंथ बिगेस्ट कोलैब विद स्पार्टर 69 और ये जरा हाथ हटाओ क्यों अब बड़े लोगों के साथ आराम से मुझे अच्छा तो गाइज आज व्लॉग बनाने का इस तरह मूड बना है कि पहले आपको पता है मैं बनाता नहीं हूँ तो आज इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि आज वकास बिरयानी खाने जा रहे हैं और हमारी मोहल्ले की जो थी है ये देखें ये लाल परी मैदान खड़ी तैयार होके खड़ी सलाम तो ले लो दिल भरी अस्सलाम वालेकुम हो जब लोगों ने सलाम तो पता ही नहीं है हाँ सेलिब्रिटी है ना सलाम लेने को तरसते हैं हमारे साथ याद है हमारे एक दोस्त है वो आज पक्का मुसलमान हो गया है कौन सा दोस्त हसन जो फीफ का भाई है हसन डैडी हसन डैडी ना का पक्का मुसलमान 3 महीने बाद व्लॉगर साहब आ गए बैक मैन इन की इन लोगों को ना 6 महीने बाद याद आता है कि हम लोग व्लॉगर हैं और हमने वीडियो बनानी तो गाइस आपने साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है तो ये देखे ये नहीं ये बाइकर भाई इसको बेचूंगा ये खरीदेगा भाई ये बंदा किधर है कपड़े नजर आ रहे हैं भैया ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा तेरे मोबाइल में हां नजर आ रहा है ये नजर आ रहा है कसम है नजर आ रहा है ता नजर प्रमोशन करवा रहा हूँ ना स्पार्टर 69 तो गाइस मैं कहने पीछे बहना है तो गाइस अब हम चल रहे हैं वकास बिरयानी और आपको दिखाते हैं कैसा टेस्ट है और साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब कर देना मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देना ओके हो गया हम लोग $1 शॉप आ चुके हैं क्या बोला तूने हम लोग $1 शॉप आ चुके हैं जहाँ पे हर एक चीज $1 पे मिलती है हर एक चीज क्या सिर्फ पेट्रोल ही सही पकड़े हैं मिलता है चेक करें $1 शॉप और ये लाइट चला यार ओए लाइट इधर ला अच्छा अच्छा ये पेट्रोल चेक करने लगे इसके अंदर कितना है वादू है वादू ये बंदा डॉलर जाया करके आया कितने डॉलर में डलवा के आए हो $3.5 में ये दे के आया है समझ रहे हो आप $3.5 में ये दे के आया है $3.5 में अच्छा पेट्रोल लेके आए हो $6 नहीं बनते कम तो मेरा पुत्र इतने खलो के हिसाब कर अभी अगो हो जाने $1.305 छठी खच आ चुकी है बिलाल उर्फ दलाल खान ये क्लिप मुझे भी दे दे अच्छा बिलाल उर्फ दलाल खान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं कोई बोले दरिया है गोचड़ी गया है तल्ला ही सही तो गाइस अब एक बंदा बैंक आया है हमारे इस बैंक के अंदर गए हैं हमारे दोस्त एटीएम की हवा खाने फिर बाद में बन जाते हैं गाने मैं एटीएम की हवा खाने जाता था वो अमीर समझ के सेट हो गई लेकिन उसके साथ किसी ने सेट होना है वो तो है ही मोटा था ₹150 देगा ₹150 देगा सेल करके हम बिरयानी खाएंगे इंशाल्लाह 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 तो गाइस इसने इसको भी अंदर बुला लिया पता नहीं अंदर क्या होगा ये बस बैंक के कैमरे ही जान सकते हैं कि क्या होगा
भाई साहब तुसी की कहना चाहोगे दोवें एक कमरे च अंदर चले गए ने भाई इनको आदत है ये रोजाना तीसरा अच्छा दूसरा गया और तीसरा आया गाइस हम लोग जाके देखते हैं ये क्या करी जा रहे हैं अमीन बैंक के अंदर तो गाइस ये मुझे कुछ दिखाना चाह रहे हैं अब आ जा का काम कर जाके पाकिस्तान के हालात का आपको पता है लाइट नहीं आती वो बंदा एटीएम के एसी के अंदर सोया हुआ है चेक करे यार हैवी हैवी हम भी आजकल ऐसे ही करेंगे लाइट जाएगी इधर आके सोया करेंगे बात तो सही है हम लोग वकास बिरयानी पहुँच चुके हैं किसी ना किसी तरह बहुत ज्यादा रश था ये मंगा साहब भी पहुँच गए हैं स्पाटर 69 भी अपना हुलिया हमें देखो हम बगैर ही कुछ किए ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देना आपको पता है आपका भाई फिर लड़कियों वाली हरकतें नहीं ना करता ये देखिए जरा किस तरह बच्चियों की तरह तैयार हो रहे हैं पहले ब्लॉगिंग करने के लिए ब्लॉगिंग का कोई टाइम देखो भाई हमें बच्चियों ने देखना बात तो सही है भाई ब्लॉगिंग का कोई टाइम नहीं होता ना कोई स्टाइल होता है जैसे उठो कर दो ब्लॉगिंग काफी देर बाद मिली है ऑर्डर दे दिया अभी आता है फिर आपको वो भी दिखाते हैं लाइक और सब्सक्राइब कर देना तो गाइस हमारी बिरयानी काफ़ी डेढ़ घंटे के बाद पहुंच चुकी है अब हम इसको खाएंगे और फिर आपको मिलेंगे दोबारा ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो गाइस चेक करें इस बंदे ने ये सारा ख़त्म किया है इस बंदे ने हमें इसने कुछ नहीं खाने दिया अब हम जा रहे हैं भाई चलो ख़त्म हो गया सारा सीन पैसे सारे ले लेने बड़ी छेती मुक गई है बात ऐसी कर दूते ना करो कि मुंह साफ करना पड़े तो गाइस मुझे पता था कि मेरी बेइज्जती होने वाली मैं इसी वजह से जल्दी जल्दी से बाहर निकल आया हूँ मैं बाहर निकल आया मुझे पता था कि बंदे ने मेरी बेइज्जती कर दी तो गाइस अब हम आपको मिलते हैं घर बकास बिरयानी बहुत मजे की थी 650 में मिली है गाइस मेरे पास टिशू बम का धमाका हो गया टिशू बम का धमाका तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब कर देना ओके अल्लाह हाफिज़